नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले में बारातियों की एक कार बीती रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि बारातियों की कार चोलियावाला गांव के नजदीक एक ईंट भट्टे की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 22 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, 24 वर्षीय नवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी थालड़का, 27 वर्षीय धर्मपाल पुत्र ओम प्रकाश निवासी चोलियावाला और 26 वर्षीय अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार कुम्हार निवासी बुगरका को मृत घोषित कर दिया। इनके शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है तथा भागीरथ नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे रावसा के ट्रोमा सेंटर से हनुमानगढ़ टाउन रेफर कर दिया। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादला सूची के कल तक आने की संभावना बन रही है। कार्मिक विभाग में मंथन चल रहा है और सरकार कभी भी सूची को जारी कर सकती है। कार्मिक विभाग इन दिनों बड़े स्तर पर तबादला सूचियों को तैयार करने में जुटा हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जिन जिलों में सहमति नहीं बन पाई थी उनकी सूची को जारी नहीं किया जा सका और सरकार शीघ्र ही दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। 27 फरवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय फाल्गुनी लक्खी मेले में श्रद्धालुओं को इस बार 10 जिग जैग से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 12 से 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही बाबा श्याम के दीदार होंगे। मेले की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की देखरेख में श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से की जा रही है। मेले के दौरान दर्शन मार्ग में बन रहे जिग जैग और लाइनों के तकरीबन 50,000 बल्ली व बांस, 3,000 लोहे के पाइप व 7,500 किलो रस्सी लगेगी। दर्शन मार्ग में जिगजैग रेलिंग सहित साफ सफाई व्यवस्था करने के लिए तकरीबन 150 मजदूर काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर मार्ग स्थित करण पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पिस्तौल दिखाकर बाइक पर सवार दो युवक करीब 60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। यह घटना अनूपगढ़ के थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि रात को बाइक सवार होकर तीन युवक पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। टंकी में पेट्रोल भरवाने के बाद सेल्समैन को धक्का देकर गिरा दिया और उसे पिस्तौल दिखाकर नोटों से भरा बैग में उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक पर आए दोनों युवकों ने अपने चेहरों पर नकाब बांध रखा था। पदमपुर पुलिस ने पोस्ट से भरी एक एम्बुलेंस को पकड़ा है। इसका चालक एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया। एम्बुलेंस से पोस्ट और चालक का मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद कर लिया। थाना प्रभारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि रात करीबन 10 बजे जेसर रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी, एक एम्बुलेंस को रुकवा लिया। रुकते ही चालक एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि तलाशी लेने पर एम्बुलेंस में 14 किलो पोस्ट और मोबाइल फोन मिला। पोस्ट अलग अलग पैकेटों में भरा हुआ था। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक की पहचान अनिल कुमार विश्नोई निवासी 64 LNP के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान प्रदेश में आयकर विभाग ने टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने के लिए धड़ाधड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आज भी प्रदेश के बड़े मार्बल कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग ने करीबन 350 अधिकारियों ने एक साथ तीन जगह 41 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के अनुसार किशनगढ़, अजमेर, केकड़ी और सवार में कार्रवाई चल रही है। शक्ति मार्बल, पिंकी मार्बल के कार्यालय, गोदाम सहित संचालकों के आवास पर भी छापे की सूचना मिली है। सूत्रों के जानकारी देते हुए कि शक्ति मार्बल के संचालक अखिलेश मालपानी हैं, इनकी फैक्ट्री, आवास व अजमेर में रिसोर्ट पर भी कार्रवाई चल रही है। जानकारी के अनुसार मार्बल, ग्रेनाइट मैन्युफैक्चरिंग मशीन व जमीन के कारोबार से जुड़ी इस फर्म के अन्य निवेशकों के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। उच्चतम न्यायालय ने आज गुरुवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि पिछले 4 राष्ट्रीय चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। शीर्ष अदालत का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। पार्टियों को चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर ब्यौरा देना होगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ स्वामी के निर्देश पर गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने 52 जीजी की तत्कालीन सरपंच, 3 ग्राम सेवक, अधिकारियों और बीडीओ को लापरवाही का दोषी माना है। इस संबंध में जांच रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी गई है। सरपंच पति को भी सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में लगाए गए हैं। इस संबंध में एक शिकायत जिला परिषद प्रशासन को प्राप्त हुई थी। पंचायत चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 अध्यापकों गुरवीर सिंह और रणवीर कुमार को आरोप पत्र दिए हैं। इन कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच में आरोप प्रमाणित होने पर दोनों को आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया है। ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही रायसन नगर के विकास अधिकारी को भी चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में चार्जशीट किया गया था। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिले भर से अनेक लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। डीएम शिव प्रसाद मदन नकाते ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही संबंधित उपखंड अधिकारियों को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए भी आदेशित किया है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि संबंधित शिकायतकर्ता उनके पास पुनः वापस नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एक बार फिर सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेंगे। वीसी के जरिए वे प्रदेश की जन स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लेंगे। जिला कलेक्टरों से वे जन सुनवाई से संबंधित प्रकरणों के बारे में भी अपडेट हासिल करेंगे। पंचायत चुनावों से पूर्व भी उन्होंने वीसी के जरिए सभी कलेक्टर से संपर्क किया था। लापरवाही बरतने वाले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदल दिया गया था। इस कारण वीसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में काफी हलचल देखी जा रही है। एक युवक से प्यार करने वाली युवती ने प्रशासन को लव मैरिज करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है। इस युवती द्वारा युवक के साथ एक माह पहले एडीएम प्रशासन के पास लव मैरिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस बीच लड़की के परिजनों को इस बात का पता लग गया। परिजनों ने युवती से बातचीत की तो युवती ने शादी करने से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रशासन से वापस ले लिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।